डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर थर्ड एपिसोड फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स प्रिंसिपल, टाइप्स एंड हाउ टू यूज इट। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके प्रकार क्या है और इसे यूज कैसे करना है, आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस मेजर्स अ सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी को क्या चीज होती है, स्टॉक्स। स्टॉक्स कौन से, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था, जैसे रिलायंस कंपनी का स्टॉक, टाटा कंपनी का स्टॉक या अदर कोई भी कंपनी जिसके बारे में आप जानते हैं और जो शेयर बाजार में लिस्ट है, उसके स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को जानना। अब यहां पर बात आती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू आखिर है क्या। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी एसेट के बारे में पता लगाना कि उसकी रियल वैल्यू कितनी हो सकती है, उसके शेयर्स जिस प्राइस पर चल रहे हैं, अभी जिस प्राइस पर उसके शेयर चल रहे हैं, क्या उसकी वो वैल्यू रियल यानी उसके वर्थ है या नहीं है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस से। तो आगे बढ़ते हैं। बाय एग्जामिनिंग रिलेटेड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स, यानी मार्केट में इंडिया की एक अलग इकोनॉमी है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज की देखें, अमेरिका की या जापान की या चाइना की या रशिया की, किसी भी कंट्री की हम बात करें तो हर एक कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होती है और उस कंट्री में उनकी उनकी कंपनीज जो चल रही हैं उनकी कंट्रीज में, ठीक है, वो कितना उनका नाम है, वो वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा बिजनेस करती हैं, इससे उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, ठीक है, समझिए। अब ये फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कंपनी के पैसे कमाने के तरीके क्या हैं, कंपनी को कितने सोर्स हैं इनकम के, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो ये सब एक इंट्रिंसिक वैल्यू में आते हैं, राइट। तो आगे हम इस चीज को डिटेल में जानेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द इश्यूइंग कंपनी। इश्यूइंग यानी जो कंपनी इश्यू हुई है मार्केट में, उसके बारे में हम इतना पता लगाएंगे कि ये कंपनी जो शेयर प्राइस चल रहा है, क्या ये इसका असली प्राइस है या नहीं है, या किसी ऐसे ही इसे हवा में चढ़ा दिया गया है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड करंट मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। What is fundamental analysis? Fundamental analyst, analyst कौन होते हैं? जो analyst यानी जो analyze करते हैं market को। Analysis एक process होता है और जो analyst होते हैं वो उस process को करते हैं पूरा, right? Study anything that can affect the securities or stock value, ठीक है, यानी स्टॉक्स की वैल्यू को जो चीज अफेक्ट करती है, यानी जो उसके प्राइस पे इंपैक्ट डालती है, प्राइस को कम या ज्यादा करती है, ठीक है, उसके बारे में हम अब जानने लगे हैं, ठीक है। पहला जो फैक्टर आता है वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक, राइट। अगर आप कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक उसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम डीपली जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री कंडीशंस, जो कंपनी के बारे में हम पता लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कंपनी इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है, यानी अगर अपनी इंडिया से अगर रिलायंस कंपनी को हटा दिया जाए तो हमारे इंडिया का क्या हाल होगा, ठीक है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी को अपने इंडिया से हटा दिया जाए तो हमारी इंडिया की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये कंपनीज वर्ल्ड वाइड में बिजनेस करती हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज में भी अपना बिजनेस चला रही हैं और इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस देखती हैं, राइट। तो इस चीज का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक पर पड़ने वाला है,
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द एंड गोल इज टू डिटरमाइन, द एंड इज गोल टू डिटरमाइन अ नंबर दैट एन इन्वेस्टर कैन कंपेयर विद देयर सिक्योरिटीज करंट प्राइस टू सी वेदर द सिक्योरिटीज अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड बाय इन्वेस्टर्स, राइट। अब यहां पर एक चीज आती है कि इससे हम डिटरमाइन ये पता लगाते हैं कि कंपनी अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड है। अब अंडरवैल्यूड क्या होता है और ओवरवैल्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, राइट। इसके की टेकअवेज क्या है, प्रिंसिपल्स इसके बारे में है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड, फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक्स रियल और फेयर मार्केट वैल्यू। इसके बारे में हम आगे ही पहले जान चुके हैं, मैंने आपको बताया कि कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू यानी जो असली वैल्यू है उसकी, उसका पता लगाते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट सर्च फॉर स्टॉक्स करंटली ट्रेडिंग एट प्राइसेस हायर और लोअर देन देयर रियल प्राइस। अब कंपनी की वैल्यू उसके रियल प्राइस से कम है या ज्यादा है, फंडामेंटल एनालिस्ट इसके बारे में पता लगाते हैं। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर देन द मार्केट प्राइस, अगर कंपनी की रियल वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका हम जानेंगे कि वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है, अगर कंपनी की रियल वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है। अब कंपनी की वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है तो मतलब वो स्टॉक अंडरवैल्यूड आ गया। एंड अ बाय रिकमेंडेशन इज गिवन, तो वहां पर एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि आप इस स्टॉक्स को बाय कीजिए, ठीक है, श्योरली सजेस्ट किया जाएगा क्योंकि कंपनी की रियल वैल्यू से ज्यादा है, राइट, तो ये उसको अंडरवैल्यूड कहलाएगा। अब फोर्थ इसका प्रिंसिपल है इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है, तो वो कंपनी ओवरवैल्यूड में आ जाएगी। अब कंपनी का फेयर प्राइस उससे कम है तो वो ओवरवैल्यूड में आ जाएगी। एंड द रिकमेंडेशन माइट नॉट बी गिवन, ठीक है, तो वहां पर बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा उस कंपनी के बारे में। और टू सेल इफ द स्टॉक इज हेल्ड, राइट, अगर कंपनी का स्टॉक कुछ लेवल ऊंचा चल रहा है और वो ओवरवैल्यूड कंपनी है तो उस कंपनी के स्टॉक को सेल करने की सलाह दी जाएगी, वहां पर बाय करने की नहीं, राइट। तो यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस से हम कंपनीज की वैल्यू के बारे में जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है इन कंट्रास्ट टेक्निकल एनालिस्ट फेवर स्टडिंग द हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड ऑफ द स्टॉक टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म फ्यूचर ट्रेंड। अब यहां पर टेक्निकल एनालिस्ट की थोड़ी सी हमने बताया बात, ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट, एक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, हमने जाना था फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, के बारे में हमने लास्ट एपिसोड्स में जाना था। तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का भी मेन मोटिव रहता है कि कंपनीज के प्राइस की वैल्यू पता लगाना, लेकिन एक टेक्निकल एनालिस्ट कंपनी के, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस होती है इसके बारे में तो हम जान रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस एक अलग एनालिसिस होती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम जान रहे हैं, इस लाइन को भी हम पढ़ लेंगे, ये हमारे आगे काम आने वाली है। इन कंट्रास्ट टेक्निकल एनालिस्ट फेवर स्टडिंग द हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड ऑफ द स्टॉक टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है, दोनों ही चीजें मार्केट में ट्रेंड का पता लगाने के लिए की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल एनालिसिस भी, ये मार्केट के ट्रेंड का पता लगाने में हमारी मदद करती है। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस इन इजी वर्ड्स, अब आसान शब्दों में हम फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे जानेंगे, एक ही लाइन में, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टॉक्स रियल और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये एक तरीका है, फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम कंपनी की फेयर वैल्यू का, फेयर मार्केट वैल्यू का पता लगाते हैं। एक कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू का पता लगाने का तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अनयूजली,
usually done from a macro to micro perspective to identify securities that are not correctly priced by the market. अब कई companies overvalued मिलेगी, कई companies undervalued मिलेगी, ठीक है, और जो अच्छी company है वो एक अच्छे price पे, अपने real price पे ही चल रही होगी, ठीक है, मतलब अपने रियल प्राइस से थोड़ा ऊपर चल रही होगी तो वो कंपनी अच्छी है. एनालिस्ट टाइपिकली स्टडी इन ऑर्डर द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अ स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इश्यूइंग द स्टॉक्स टू एंश्योर टू दिस एंश्योर दे अराइव एट ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक. ठीक है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे. फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा. अब यहां पर मेन चीज आ गई, पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा. ठीक है, फंडामेंटल एनालिस्ट क्या यूज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा से. ठीक है, टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. तो ये पता लगाने के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए कि हमें इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, ठीक है, हम पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा को देखेंगे. अब आगे हम जानेंगे कि वो फाइनेंशियल डेटा होता कौन सा है. द डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स एंड फीलिंग लाइक द 10Q क्वार्टरली और 10K एनुअल. द 8K इज ऑल्सो इंफॉर्मेटिव बिकॉज पब्लिक कंपनीज मस्ट फ्लाइज इट एनी टाइम अ रिपोर्टेबल इवेंट अकर लाइक एन एक्विजिशन और अपर लेवल मैनेजमेंट चेंज. ठीक है, अब जैसे कि फाइनेंशियल डेटा की हमने बात की थी, पब्लिकली अवेलेबल रहता है, कोई भी जाकर उस डेटा को देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, पब्लिक के लिए होता है. अब पब्लिक के लिए क्यों अवेलेबल करवाया जाता है, क्योंकि जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उन्हें ये डेटा की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्वार्टरली एंड एनुअली रिपोर्ट्स आती हैं, जो हर एक कंपनी अपना क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट्स फिलिंग करती है, ठीक है, जमा करवाती है ताकि पब्लिक उसे देख सके. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट परफॉर्म ए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए स्टॉक्स वैल्यू बाय लुकिंग एट इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इंटरेस्ट रेट एंड द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. देन यू वुड evaluate the stock market and use financial data from similar stock issues. Finally, you would analyze the financial data from the issuing company, including external factors such as potential change in its credit rating. ठीक है, अब यहां पर एक खास बात बताई है, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हर एक कंपनी का अपना एक कॉम्पिटिटर होता है, राइट, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी का एक अपना कॉम्पिटिटर है, एक नहीं दो तीन कॉम्पिटिटर हैं उसके. जैसे महिंद्रा कंपनी की बात करें तो दोनों ही गाड़ी बनाती है, टाटा कंपनी भी और महिंद्रा, ठीक है. अब इसके अल्टरनेट में हम मारुति सुजुकी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी भी इंडिया की कंपनी है और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तो वो कंपनी भी इनकी कॉम्पिटिटर है. अब अगर हम तीनों कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस चेक करें तो कौन सी कंपनी हमें बेटर लगेगी, ठीक है, और जो कंपनी हमें बेटर लगेगी उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है, तो समझ आया कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर हो सकती है, तो हम तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल फैक्टर्स को चेक करेंगे. हाउ व्हाट इज टू बी यूज्ड, ये यूज करना चाहिए हमें. ये हमने एक एग्जांपल दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. अब हम आगे जानते हैं, यू कुड ऑल्सो रीड थ्रू द 10K 10Q
एंड द इश्यूर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, जो कंपनी के हम बारे में जानना चाहते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें उसके फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा, और अदर इश्यूज, ठीक है, अदर इश्यूज मतलब जो चीज हमने पहले बोली कि हर एक कंपनी के अपने कॉम्पिटिटर होते हैं, तो उनके अदर्स कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस अ कंपनीज रिवेन्यू, अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड अदर डेटा टू डिटरमाइन अ कंपनीज अंडरलाइंग वैल्यू एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात भी बोली है, बहुत अच्छी बात ये बोली है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी, उसके बारे में डीपली जानना होगा। अब यहाँ पर उसके रिवेन्यू के बारे में जानना होगा। अगर आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके फर्स्ट एपिसोड देखिए। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने इसके बारे में बताया हुआ है, रिवेन्यूज, अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स, इसके बारे में हमने बताया हुआ है, वहाँ थोड़ा ही बताया हुआ है, इसके बारे में आगे हम डीपली जानेंगे, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ के बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया है, रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू या अर्निंग्स क्या होती हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या होती हैं, इसके बारे में बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, वन ऑफ द प्राइमरी अजम्पशंस बिहाइंड फंडामेंटल एनालिसिस इज दैट ए स्टॉक्स करंट प्राइस ऑफन डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी व्हेन कंपेयर्ड टू पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डाटा। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा कि फाइनेंशियल डेटा देखना चाहिए, फाइनेंशियल डेटा में क्या आया, हमने एनुअल रिपोर्ट देखी, ठीक है, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो उसे पब्लिकली सबमिट करते हैं, जो कोई भी जाकर उसे वहां देख सकता है। सेकंड एग्जेप्शन क्या है, इज दैट वैल्यू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कंपनीज फंडामेंटल डेटा इज मोर लाइकली टू बी क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। फंडामेंटल एनालिसिस, फास्ट फैक्ट क्या है इसका, फंडामेंटल एनालिसिस यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर स्टॉक्स बट इट इज यूजफुल फॉर इवेल्यूटिंग एनी सिक्योरिटी फ्रॉम अ बॉन्ड टू अ डेरिवेटिव, ठीक है, इफ यू कंसीडर द फंडामेंटल फ्रॉम द ब्रॉडर इकोनॉमी टू द कंपनी डिटेल यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज मेथड ऑफ एनालिसिस स्टार्कली कंट्रास्ट विद टेक्निकल एनालिसिस विद एज अटेम्प्ट्स टू फोरकास्ट प्राइस डायरेक्शन थ्रू एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डेटा सच ए प्राइस एंड वॉल्यूम। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या आते हैं कि उसका हम प्राइस देखते हैं, उसकी वॉल्यूम देखते हैं, और उसके बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगला मार्केट का मूव क्या होगा। टेक्निकल एनालिसिस यूज प्राइस ट्रेंड एंड प्राइस एक्शन टू क्रिएट इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस का ट्रेंड देखते हैं, प्राइस का एक्शन देखते हैं, और उसके इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्राइस ट्रेंड, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, इनके बारे में एक अलग से टॉपिक हमने रेडी किया है जो कि हम आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे, क्योंकि एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा टॉपिक हम क्लियर नहीं करते, पूरी और पूरी शेयर मार्केट के बारे में बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बारे में काफी टाइम चाहिए और ये बहुत ज़्यादा डीपली बताने वाली बातें होती हैं। तो ये नेक्स्ट एपिसोड्स में हम इनके बारे में जानेंगे, आने वाले एपिसोड्स में। सम ऑफ द इंडिकेटर्स क्रिएट पैटर्न्स टू हैव नेम्स रिसेम्बलिंग देयर शेप्स सच एज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अदर यूज ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ट्रेड व्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडिकेट व्हाट्स विल हैपन नेक्स्ट। अब इसका यूज हम प्राइस के ऊपर या नीचे उतार चढ़ाव के होने के मूवमेंट के बारे में
पता लगाने के लिए करते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, इसके बारे में हम इसका अंदाजा लगाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए. एंड इंडिकेट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. सम एग्जांपल्स आर द सिमेट्रिकल ट्रायंगल और अ वेज पैटर्न. Fundamental analysis rallies on financial information reported by the company whose stock is being analyzed. Ratio and metrics are compared, are created using the data which indicate how a company is performing compared to similar companies. अब बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुनने को मिली, ठीक है. इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बोर्ड पर बताना चाहूंगा, बहुत डीपली जानने वाली ये बात है. अब जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बना देता हूँ. हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस में, जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा कि ये जो हम चार्ट देखने जा रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है. इसमें आप किसी भी कंपनी का चार्ट देख सकते हो कि कब किस कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है. ये तो निफ्टी बैंक का, हम रिलायंस कंपनी का देखते हैं. ये रिलायंस कंपनी का हम चार्ट देखते हैं, ठीक है. अभी रिलायंस कंपनी के चार्ट की हम बात करें तो यहां पर रिलायंस कंपनी का प्राइस 2649 रुपए चल रहा है और ये कैंडल्स जो बन रही हैं, ठीक है. इसके बारे में आगे आपका टॉपिक आएगा कि कैंडल्स कैसे बनती हैं और ये कैसे मूव करती हैं, ये कैसी दिखती हैं, ठीक है. इसके बारे में हम बताएंगे आपको. तो ये कंपनी का प्राइस में उतार चढ़ाव आ रहा है. पहले कंपनी का प्राइस ऊपर था, पहले कंपनी का प्राइस, ये नीचे डेट भी लिखी हुई है, 7 दिसंबर 2022 की हम देख रहे हैं. तो 7 दिसंबर 2022 को इसका प्राइस 2696 रुपये था, अभी 2649 रुपये हैं. तो कम ज़्यादा हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं. अभी इस जूम आउट करेंगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर था, पहले मार्केट नीचे आ गया इसका. देखिए यहाँ से नीचे था, इस लेवल से नीचे था और मार्केट यहाँ पे 24 नवंबर की बात है, 24 नवंबर को मार्केट यहाँ था 2547 रुपये पे, लेकिन इसने हाई भी लगाया था, देखो कितना हाई चला गया था. तो ये चीज हम टेक्निकल एनालिसिस में एनालाइज करते हैं. अब ये इसमें क्या होता है, चार्ट बनाते हैं हम इस तरीके से, ग्राफ मार्केट का उतार चढ़ाव में आता है. तो कंपनी प्राइस एक्शन पे काम करती है कि कंपनी का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस. और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, जिसके बारे में हमने जान ही लिया कि उसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू को जानते हैं कि कंपनी मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. अगर लोगों को पसंद आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा. अगर कंपनी को, कंपनी की प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं है, कंपनी बेकार प्रोडक्ट्स बना रही है, तो कितने दिन टिकेगी, एक साल, दो साल, तीन साल. ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज आई और उन्होंने कंपनी ने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया, कंपनी से कस्टमर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं तो उससे कंपनी वो फेल हो गई. बहुत सारी कंपनीज एग्जांपल हैं ऐसे, वो आप जानते ही हैं, ठीक है. किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत सारी आई हैं. तो फाइनेंशियल फैक्टर्स कंपनी के अच्छे होने चाहिए, यानी इसमें मेन आता है कि ये तो टेक्निकल एनालिसिस तो हमने चार्ट रीडिंग पे करा, ठीक है. अभी फाइनेंशियल, इसमें हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स हम देखेंगे, ठीक है. कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट्स हम देखेंगे. इसके अलावा कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट कितना करती है, यानी कि अपने प्रमोशन कितना करवाती हैं, ठीक है. कितने लोग उसके बारे में जागरूक हैं, नहीं जानते हैं, या कितने लोग कितने परसेंटेज में जानते हैं. अभी रिलायंस कंपनी की बात करें तो बच्चा बच्चा रिलायंस कंपनी को जानता है, टाटा कंपनी को जानता है. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो कंपनी एक छोटे लेवल पर ग्रो कर रही होंगी, ठीक है. अभी रिलायंस कंपनी तो पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर चल रही है ना, तो ये फर्क आ जाता है. फाइनेंशियल एनालिसिस में हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, तो ये डिफरेंस है.
तो अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लास्ट स्लाइड्स में हमने क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा था। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना था, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हमने सिर्फ नाम पढ़े थे उनके, अब हम डिटेल में जानेंगे। द प्रॉब्लम विद डिफाइनिंग द वर्ड फंडामेंटल्स इज दैट इट कैन कवर एनीथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ ए कंपनी। दे इंक्लूड नंबर्स लाइक रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, बट दे कैन ऑल्सो इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम अ कंपनीज मार्केट शेयर इज द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है तो वो अपनी क्वालिटी और अपनी मैनेजमेंट के बेस पे ग्रो करती है, तो ही उसकी कंपनी का रिवेन्यू और उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है अगर कंपनी की क्वालिटी और कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अब बार बार ये वर्ड आ रहे हैं। अब इसकी दो कैटेगरीज हो गई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शोन यूजिंग नंबर्स फिगर्स रेशियोज एंड फॉर्मूलाज। अब क्वालिटेटिव, रादर देन ए क्वांटिटी ऑफ समथिंग इट इज इट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड नेचर। अब यहां पर आप वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए, जैसे कि आप बोलिए क्वांटिटेटिव। अब इसका मैं एक वर्ड और बोलता हूं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है? ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा। अब क्वालिटी, क्वालिटेटिव। क्वालिटी की बात करें तो कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी का स्टैंडर्ड कैसा है, स्टैंडर्ड हाई है, कंपनी का नेचर ठीक है, अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है मार्केट में, तो वो कंपनी टिकेगी। ठीक है, अब हमें फंडामेंटल एनालिसिस में हमें दोनों चीजें देखनी होती हैं। हाँ, कंपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस कर रही है या नहीं कर रही है। अब एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो, आप अगर आईफोन खरीदते हो, क्या है वो? क्वालिटी है। ठीक है, अगर आप दूसरे उनके अल्टरनेट फोन लेते हो, एंड्रॉयड लेते हो, ठीक है, एक आईफोन तो हो गया आईओएस, ठीक है, अब उसका अल्टरनेट आप एंड्रॉयड फोन लोगे, एंड्रॉयड फोन आपको एक मिड रेंज में बात करें तो 10,000 से 15,000 या 20,000 के बीच में आपको एक ठीक ठाक फोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप आईफोन की बात करें तो आईफोन स्टार्टिंग कितने से रहता है? अगर न्यू मॉडल आता है तो 1,00,000 के अराउंड, तो उससे ऊपर भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन मान के चलेंगे कि एक एवरेज प्राइस लेकर चलेंगे कि 1,00,000 के अराउंड हमें मिलता है। ठीक है, अगर आप 1,00,000 का वो एक फ़ोन ले रहे हो तो 10,000 के आपको 10 फोन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया, आप एंड्रॉयड लोगे तो आपको 10 फोन मिल जाएंगे, अगर एप्पल का लोगे तो आपको एक फ़ोन मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर फर्क आया, एप्पल की क्या है? क्वालिटी है। लेकिन दूसरे फोन की क्या है? क्वांटिटी है। क्वालिटी तो ठीक ठाक है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर अब कंपनी जैसे कि रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी, ठीक है, या फिर अदर कोई भी कंपनी, अब एक कंपनी मार्केट में कब टिकेगी? जब वो क्वालिटी भी देगी और क्वांटिटी भी देगी, जब वो दोनों चीजें देगी तो वो मार्केट में ग्रो करेगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, अभी जस्ट हम इसको थोड़ा थोड़ा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब बार बार ये वर्ड आ रहा है आपके मन में तो आ रहा होगा कि हाँ पता करें कि क्या चीज़ें जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्वांटिटेटिव फंडामेंटल आर हार्ड नंबर्स, दे आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। अब एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजरेबल है नहीं है, उसको माप सकते नहीं माप सकते, उसके बारे में कितना जानते हैं लोग इसके बारे में? दैट्स वाई द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ए क्वांटिटेटिव डेटा इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कंपनी का एक साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा, वो अपनी स्टेटमेंट्स में डाल देती है, जो उसे पब्लिक कर देती है।
ठीक है। अब कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स एंड मोर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड द क्वालिटेटिव फंडामेंटल आर लेस टेंजिबल। ठीक है, अब कंपनी का रिवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की एसेट्स, कंपनी एक्यूरेट कितनी चल रही है उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। क्वालिटेटिव फंडामेंटल टू कंसीडर, देयर आर फोर की फंडामेंटल्स दैट एनालिस्ट्स ऑलवेज कंसीडर व्हेन रिगार्डिंग ए कंपनी, ऑल आर क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटी। ज्यादा देन क्वांटिटी, राइट? समझ आया कि कंपनी की क्वालिटी होनी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी के मुकाबले। कंपनी क्वांटिटी भले ही कम दे लेकिन क्वालिटी दे। अगर कंपनी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी दे रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उससे अच्छी कोई कंपनी नहीं हो सकती। लेकिन जहां हम प्रॉफिट की बात करेंगे, अगर कंपनी क्वालिटी भी दे रही है और क्वांटिटी भी दे रही है, तो मतलब क्या है, कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा। अगर कंपनी क्वालिटी दे रही है और क्वांटिटी भले ही कम दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस हैं, राइट? कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव, There are four key fundamentals that analysts always use consider when regarding a company. All are qualitative rather than quantitative. इसके बारे में हम जाना था। They include these modules. अब इसके बारे में इसके modules के बारे में हम जानेंगे। The business model. अब कंपनी का business model कैसा है इसके बारे में जानेंगे। What exactly does the company do? कंपनी असल में करती क्या है? रिलायंस कंपनी के बारे में जानते हैं, टाटा कंपनी के बारे में जानते हैं। टाटा कंपनी असल में करती क्या है? टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाती है, ठीक है। अब कंपनी का, टाटा कंपनी के स्टील्स भी आते हैं, स्टील में भी काम करती है। अदर टाटा कंपनी का नमक भी आता है। कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। This isn't a straightforward as it seems. If a company's business model is based on selling fast food chickens, is it making the money that way? Is it money making that way or not? Right? अब एक company करती क्या है असल में, इसके बारे में जानना जरूरी है। कंपनी का, कंपनी के बारे में हमें पता ही नहीं कि कंपनी क्या करती है और उस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, तो हम बेवकूफ हैं या नहीं है? हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है? नहीं है ना, हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं अगर हम बिना जाने कंपनी में पैसा लगाते हैं। और इज इट जस्ट कोटिंग ऑन रॉयल्टी एंड फ्रेंचाइज फीस? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अ कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस इज प्राइमरीली ड्रीवन बाय इट्स एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कीप इट। कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है तो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को पीयर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अब यहां पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कौन सा? पावरफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एग्जाम्पल। सच एज कोका कोला का नाम सुना है आपने? यू हियर अबाउट कोका कोला कंपनी? कोका कोला कंपनी का ब्रांड सबने नाम सुना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सभी ने सुना है। अब ये क्या है? ये पावरफुल, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर होगा तो बहुत छोटे लेवल पे होगा। कोका कोला कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है? कंपनी इतनी बड़ी है, कोका कोला नाम से बिकता है, माइक्रोसॉफ्ट नाम से बिकता है, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, विंडोज बनाती है। क्रिएट ए मॉड अराउंड ए बिजनेस अलाउइंग इज टू कीप कंपिटिटर
at bay and enjoy growth and profits. When a company can achieve a competitive advantage, its shareholders can be well rewarded. ठीक है, अगर आप कोका कोला कंपनी में 10 साल या 20 साल पहले पैसा लगाते तो आज आपके पास बहुत सारा पैसा होता, राइट? होता ना, सच बात है। तो ये कंपनी आज फ्यूचर बाय फ्यूचर ग्रो करती रहती है। मैनेजमेंट, सम बिलीव मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटेरियन फॉर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मतलब आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। इट मेक्स सेंस, ये इसकी सेंस भी होती है। इवन द बेस्ट बिजनेस मॉडल इज डूम्ड इफ द कंपनीज लीडर फेल टू एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपरली। फिर से पढ़ते हैं, इवन द बेस्ट बिजनेस मॉडल, एक अच्छा बिजनेस मॉडल इज डूम्ड इफ द कंपनीज लीडर फेल टू एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपरली। कंपनी क्या होगा अगर कंपनी बिजनेस मॉडल अच्छा है लेकिन कंपनी के लीडर उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं या उसके अंदर अच्छे से उसको संभाल नहीं पाते, मैनेजमेंट नहीं है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी? डूम्ड हो जाएगी। यानी डूम्ड का मतलब डूब जाना या कुछ ऐसा वर्ड, फेल हो जाना। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? फीलिंग के साथ समझा करो कि डूम्ड का मतलब डूब जाना या बेकार हो जाना, किसी काम का नहीं रहना, डूम्ड। राइट, राइट, गेटिंग माय पॉइंट? तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाइल इट्स हार्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू मीट एंड ट्रूली इवैल्यूएट मैनेजर्स, यू कैन लुक एट द कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड चेक द रिज्यूम्स of the top brass and board members, how well did they perform in previous jobs? अब यहाँ पर जब एक कंपनी में कोई इंटरव्यू देने आता है, आप भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए होंगे, तो आपसे पहले एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। कौन सा? कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी और आपने वहां पर कैसा परफॉर्म किया। लास्ट जॉब अगर छोड़ी है तो कंपनी ने या तो उसे निकाल दिया होगा या उसे ने खुद ही लीव किया होगा। मैनी रीजंस, देयर मे बी मैनी रीजंस, वहां पर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उस बंदे ने जॉब क्यों छोड़ी। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसके बारे में। हैव दे बीन अनलोडिंग अ लॉट ऑफ देयर स्टॉक शेयर्स लेटली? हैव दे बीन अनलोडिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक शेयर्स लेटली? ठीक है, तो आगे हम डिटेल में जानेंगे। इतना जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए अगर आप उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो, अदरवाइज उस कंपनी में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब द पॉलिसीज इन ए प्लेस विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन, denoting a relationships and responsibilities between management, direction and stakeholders. These policies are defined and determined in the company characters and bylaws and corporate laws and regulations. You want to do business a company with that is run ethically, fairly, transparently and efficiently. ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, वो एक लॉजिक पे चल रही है या नहीं चल रही है। बिना किसी लॉजिक के वो चले जा रही है, बिना लॉजिक के तो वो मेरे हिसाब से तो एक साल दो साल भी नहीं चल पाएगी। अगर लॉजिक है कंपनी में, कंपनी के स्टेक होल्डर अच्छे हैं, मैनेजर्स अच्छे हैं, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कंपनी के, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है अपने क्लाइंट्स की, अपने जो उसके कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनकी, कंपनी उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखती है, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रखती है, अपने कस्टमर्स के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा रखती है तो कंपनी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। गवर्नमेंट
corporate governance, particularly not whether management respects shareholders' right and shareholders' interests. Make sure their communications and shareholders and transparent, clear and understandable. ठीक है, जो company की communication होती है आपस में, तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं नहीं पाते हैं, ये जरूरी है. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम घर में रहते हैं और घर में हम एक दूसरे को समझते नहीं है. एक दूसरे से हम बात करते हैं तो ऐसे तू तड़ाक करके हम बात करते हैं, किसी को हम गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ये बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और उस घर में हम ज्यादा दिन तक रह भी नहीं पाएंगे. वो घर एक नंबर नरक के समान होगा. मतलब वो घर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, उस घर के लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया कि एक जो कंपनी होती है वो भी एक परिवार की तरह होती है. परिवार में हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें क्लियरनेस होनी चाहिए, तब वो घर भी आगे बढ़ता है और उसके घर के लोग भी आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही सेम कंपनी में होता है. इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ए कंपनीज इंडस्ट्री, इट्स कस्टमर बेस, मार्केट शेयर अमॉन्ग फर्म्स, इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ, कंपिटिशन, रेगुलेशंस एंड बिजनेस साइकिल्स. लर्निंग हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स विल गिव एन इन्वेस्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. ठीक है, अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बात हमें सीखने को मिल रही है कि हम ये जानेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सुना है, हमने इसी एपिसोड में सुना है कि कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा होना चाहिए, उसके मार्केट शेयर्स की वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. वैल्यू, मार्केट शेयर्स की वैल्यू तो तभी अच्छी होगी ना जब अभी ये सी अच्छी होगी. ठीक है, कस्टमर बेस अच्छा होगा, कंपनी का बिजनेस साइकिल अच्छा होगा, रेगुलेशंस अच्छी होंगी, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है ना. ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मीडियम बाय विच ए कंपनी डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ठीक है, कंपनी क्या करती है, डिस्क्लोज करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए, लोगों को बताती है कि हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, अगर आप हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें छोड़ दीजिए, हमें डूब जाने दीजिए. कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें इस बारे में बताती है. फॉलोवर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस यूज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यहां पर हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना ही होगा, अगर नहीं करते तो हम उसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे. There are three most important financial statements. पहली है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है बैलेंस शीट, तीसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे. द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. ठीक है, इट इज कॉल्ड ए बैलेंस शीट बिकॉज द थ्री सेक्शन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी मस्ट बैलेंस यूजिंग द फॉर्मूला एसेट इक्वल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है, अभी यहां पर लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है और कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की यानी कंपनी की इंडस्ट्रीज, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के बिल्डिंग्स, कंपनी के बिल्डिंग्स में लगा हुआ सामान वो कितना है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी चाहिए. ठीक है, एसेट में ये सब चीजें आती है, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास कितना पैसा है, ये कंपनी की एसेट आ गई. कंपनी के पास मेज कुर्सी कितनी है, कंपनी के अंदर और क्या क्या सामान है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी के पास कितने हैं, वो कंपनी की एसेट होगी. लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी, कंपनी ने लोगों से कितना पैसा ले रखा है, कंपनी ने बैंक से कितना लोन ले रखा है, कंपनी ने कर्जा ले रखा है, तो उसको लाइबिलिटीज बोलेंगे. इक्विटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, कंपनी की इक्विटी रेगुलर ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही है तो कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंपनी लॉस में जाने वाली है. ठीक है, अगर ग्रो कर रही है तो कंपनी अच्छी है और ये फाइनेंशियल फैक्टर्स देखने जरूरी है. द बैलेंस शीट एसेट रिप्रेजेंट द सोर्स द बिजनेस ऑनर्स और कंट्रोल एट ए गिवन टाइम.
ठीक है, दिस इंक्लूड इट सच एज कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। ये चीज हमने पहले लास्ट स्लाइड में हमने जान लिया था कि जो कंपनी के एसेट्स होती हैं उसमें कैश आता है, इन्वेंट्री आती है, मशीनरी आती है, बिल्डिंग्स आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू द कंपनी हैज यूज टू एक्वायर दोज एसेट्स। ठीक है, अब कंपनी अगर ये एसेट खरीदेगी तो कंपनी की जेब में शुरू में तो पैसा होगा नहीं, कंपनी लोन लेगी, ये कंपनी कुछ करेगी, ठीक है, फिर वो पैसा लगा के कंपनी ये चीजें खरीदेगी, कंपनी मशीनरी खरीदेगी, कंपनी बिल्डिंग खरीदेगी। अब कंपनी मशीनरी खरीदेगी क्यों, उस मशीनों से प्रोडक्ट बनाएगी ना, वो प्रोडक्ट का क्या करेगी, अपने पास थोड़ी ना रखेगी, कंपनी वो प्रोडक्ट आगे बेचेगी, किसको बेचेगी, कस्टमर्स को बेचेगी, और कस्टमर्स को बेचेगी। अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाया, क्या कंपनी उसको 9 रुपए में या 10 रुपए में दे देगी, कभी नहीं देगी ना, कंपनी उसको 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए या जिस तरह उसको प्रॉफिट कमाना होगा उतने में उसको देगी। जब मार्केट मार्केट कंपटीशन को भी तो देखना है ना, अगर वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है तो कंपनी उसको 21 का बेचेगी तो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कंपनी अगर उसको 20 का बिके बेचेगी तो वो बिकेगा, लेकिन एक अगर उसको 19 का बेचेगी तो वो ज्यादा बिकेगा। ठीक है, तो यहां पर फर्क आ गया। फाइनेंसिंग कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ लाइबिलिटीज और इक्विटी। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट अ डेब्ट और obligations that must be paid. In contrast, equity represents the total value of money that the owners have contributed in the business, including retained earning, which is the profit left after paying all current obligations, dividend and taxes. ठीक है, अब कंपनी का प्रॉफिट कैसे गिना जाता है, कंपनी के ऊपर जितना भी फालतू का जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कंपनी के देने हैं, या जैसे कि बिजली का बिल हो गया या फिर अदर और काफ़ी सारे बिल्स आते हैं, तो वो देने के बाद और कंपनी डिविडेंड देने के बाद सभी टैक्सेस पे करने के बाद जो बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, ये तो जानते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, अगर कंपनी प्रॉफिट में तो कंपनी ग्रो कर पाएगी। While the balance sheet takes a snapshot approach in examining a business, that income statement measure a company's performance over a specific time frame. Technically, you could have a balance sheet for a month or even a month, but you will only see public companies report quarterly and annually. ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ public companies ही report करती हैं quarterly और annually. ठीक है, द इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट्स रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द पीरियड। ठीक है, तो कंपनी के बारे में हमने जाना कि कंपनी की फाइनेंशियल फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए, और कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर्स अच्छे हैं यानी पता लगाने के लिए हमें ये चीजें देखनी जरूरी है। ठीक है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब कैश फ्लो कैसा है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, कैश का आना जाना, कंपनी में अगर कैश आएगा तो वो कैसे आएगा, कंपनी के प्रॉफिट का कैश होगा। अगर कंपनी से पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो वो क्या होगा, कंपनी ने बिल्स पे किए या कुछ नया खरीदा तो वो उसके लिए कंपनी ने कैश पे किया, या कंपनी ने ऑनलाइन जैसे भी कंपनी पेमेंट करती है वो किया। ठीक है, तो वो तरीके हैं, कंपनी में पैसा आ रहा है तो कैसे पैसा आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट है। अगर कंपनी से पैसा जा रहा है तो कंपनी का लॉस नहीं है, वो कंपनी की लाइबिलिटीज है जो कंपनी पे कर रही है। अगर कंपनी लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी गिरेगी, कंपनी उठ नहीं पाएगी। टाइपली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फोकसेस ऑन द फॉलोइंग कैश रिलेटेड एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, CFI, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन एसेट्स एज वेल एज प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ अदर बिजनेस इक्विपमेंट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश पेड और रिसीव्ड फ्रॉम द इशिंग ऑन बोरोविंग ऑफ फंड। बोरोविंग फंड, बोरो करना मतलब उधार लेना। ठीक है,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। अभी हमारे हम बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां जानते हैं कि ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है और ये कंपनी अपना ऑयल बनाती है। मान लीजिए इसने ऑयल बनाया है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है ये एफएमसीजी। ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है और ये वाला जगह ये हम बना देते हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं, पीपल्स हैं और ये कंपनी है, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं यहाँ, और ये लोग हैं प्रोडक्ट खरीदने वाले, जिनको ज़रूरत होगी वो खरीदेंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं। अब कंपनी अगर चलानी है तो कंपनी को पहले ऑयल मिल लगानी पड़ेगी, ऑयल मिल के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगी उसमें खर्चा आएगा, मशीनरी लगाएगी उसमें भी खर्चा आएगा, और कंपनी के अंदर जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये वाले ये बिंदिया बिंदिया दिख रही हैं आपको, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये कंपनी को इन्हें भी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री में तो काम करेंगी नहीं। अब कंपनी ने ऑयल की बोतल बनाई, एक बोतल अगर कंपनी को एक ऑयल की बोतल बनाने में मान लीजिए 60 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, तो कंपनी उसका ब्रांड प्रमोशन करवाएगी, उसका नाम चलाएगी आगे, अपना प्रमोशन करवाएगी, तो कंपनी को मान लीजिए प्लस 30 रुपीज़ खर्चा आ गए, यानी कंपनी को वो बोतल 90 रुपीज़ की पड़ी। ठीक है, तो अब ये लोग मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं जो ऑयल बनाते हैं, ऑयल बेचते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अदर उनकी मिल लगी हुई है, वो दूसरी मिल में काम करें, लेकिन हम इस प्रॉपर कंपनी की, एबीसी कंपनी की हम बात करें मान लीजिए। ठीक है, एबीसी कंपनी की, अब इनको टोटल कॉस्ट 90 रुपये आई। ठीक है, जिसमें से अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ का खर्चा मिला दें या फिर और अदर एक्सपेंसेस भी मिला दें तो हम उसमें प्लस 30 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इसका इक्वल, इसका इक्वल हो गया 120, यानी टन कंपनी को ओवरऑल खर्चा 120 रुपये पड़ा एक बोतल पर। तो मार्केट में वो बोतल कितने की बिक सकती है, वो बिक सकती है 150 के अराउंड बिकेगी, 160 की बिक सकती है, या अदर ब्रांड्स जितने की बेच रहे होंगे, हम अपना ब्रांड उस हिसाब से ही अपना प्राइस डिसाइड करेंगे, अपना एमआरपी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर इन ये लोग अगर उसको 150 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, तो कंपनी को 30 रुपये का मुनाफा होता है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से कंपनी अपने फ्यूचर को बढ़ाएगी, अपने मतलब अपनी कंपनी को ग्रो करने का के लिए कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट हो गया तो इसमें से कंपनी अगर चाहेगी कि कंपनी की और जगह मिल लगे, और जगह कंपनी और ज्यादा ग्रो करे, तो इसका यूज हम इस पैसे का जो हमने बचाया है 30 रुपये, हमने जो 30 रुपये बचाया है, ठीक है, उसका यूज हम 30 रुपये जो हमने बचाया था उसका यूज हम कंपनी को ग्रो करने के लिए करेंगे। उसमें हो सकता है कि हमें टाइम लगे, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करती है तो उसमें टाइम लगता है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, तो कंपनी को प्रॉफिट में से ही पैसा निकालना है और उसी प्रॉफिट में से आगे बढ़ना है। कंपनी हो सकता है ये 30 रुपये सारा खर्चा कर दे तो कंपनी कहाँ रह जाएगी, कंपनी वहीं की वहीं रह जाएगी ना, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स चैलेंजिंग फॉर ए बिजनेस एंड मैनिपुलेट इट कैश सिचुएशन। This is penalty and aggressive accountants can do manipulate earning but it's to fake cash in the bank। ठीक है, अब कंपनी अपनी नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले या कुछ ऐसी रिपोर्ट वगैरह बना के आपको मैनिपुलेट कर दे तो वो भी हो सकता है ना। कंपनी नकली कैश दिखा दे कि हमारी कंपनी में इतना पैसा है, किसी और का पैसा अपनी कंपनी में दिखा दे और वापस वो पैसा ले ले, तो क्या होगा, वो नकली हो गया ना, फेक हो गया, तो उससे क्या होगा, कंपनी कभी ना कभी तो गिरेगी, 4 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, 50 दिन चलेगी, 1 साल चलेगी, दूसरे साल तो गिर सकती है।
क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर आएगा तो वो तो तगड़ा ही होगा ना, वो तो अपने अपनी मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। अब ये कंपनी फेक फेक न्यूज़ डाल रही है, ये कंपनी फेक कैश दिखा रही है, तो उससे कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पैसा उसका है ही नहीं, वो उस पैसे को कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका यूज़ करके अपने खुद को ग्रो कर सकते हो तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप वो पैसा सिर्फ देखते ही रहोगे कि वो पैसा है पैसा पैसा पड़ा है पड़ा है पड़ा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, तो आप ग्रो होगी और वो पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा। फॉर दिस रीजन सम इन्वेस्टर्स कैन यूज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ए मोर कंजर्वेटिव मेजर ऑफ ए कंपनीज परफॉर्मेंस। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है कि कंपनी के कितनी ट्रांजेक्शन हुई, किधर हुई, कितनी की, किसने की, तो वो सब यूज किया जाता है उसकी रियलिटी का पता लगाने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस रैलीज ऑन यूजिंग फाइनेंशियल रेशियो ड्रॉज फ्रॉम द डेटा ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट ए कंपनीज वैल्यू एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब एक इजी वर्ड में बोला जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, इनको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको कंपनी की रियलिटी का पता चल सके। अगर रियलिटी नहीं जानते कंपनी की तो आप उस कंपनी में पैसा कभी भी मत लगाइए। और शेयर मार्केट के बारे में बिना जाने, आप जानते नहीं शेयर मार्केट के बारे में, नॉलेज ही नहीं है, तो भी आप पैसा मत लगाइए, आपका लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि हमने कोका कोला का एग्जाम्पल लिया था, पहले लिया था, कोका कोला कंपनी इज ए प्राइम एग्जाम्पल दैट कैन बी यूज इन फंडामेंटल एनालिसिस। टू बिगिन एन एनालिसिस वुड एग्जामिन द इकोनॉमी यूजिंग सम पब्लिश्ड मैट्रिक्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन मेजर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट्स, इसके बारे में पढ़िए। एडिशनली अ कंपनीज ब्रांड कैन एड वैल्यू टू द इन्वेस्टमेंट। कोका कोला हैज बीन प्रोवाइडिंग बेवरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इट्स लोगो इज रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड। और कोका कोला कंपनी का लोगो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में नाम कोका कोला का फेमस है, तो सब लोग इसको जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो क्या इसके बारे में हमें पता लगाने की जरूरत है? तो ये ऑटोमेटिकली इसका लोगो ही हमें ये बता रहा है कि कंपनी कितनी बढ़िया है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एंड डिटरमाइन वेदर ए स्टॉक एंड द इश्यूइंग कंपनी आर वैल्यूड करेक्टली बाय द मार्केट। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब वेन कंडक्टिंग एन एनालिसिस यू स्टार्ट विद, ठीक है, वट आर द थ्री लेयर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये थ्री लेयर्स हैं उसकी, इकोनॉमिक एनालिसिस, देन एनालाइज द इंडस्ट्री, देन द कंपनी। ठीक है, पहले इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या आएगा, हम कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो हमें कंपनी की इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। देन एनालाइज द इंडस्ट्री, कि कंपनी की इंडस्ट्रीज कितनी हैं, कंपनी की मिल्स कितनी हैं, कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी यूनिट कंपनी ने लगाई हुई हैं, तो वो उसके बारे में जानेंगे। देन द कंपनी, फिर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड या उसका डोमेस्टिक एरिया में हम जानेंगे कि कंपनी का नाम कितना है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, देन हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तीन लेयर्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, ये जरूरी हैं। व्हाई इज फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट? फंडामेंटल एनालिसिस अलाउ यू टू सी व्हाट द मार्केट वैल्यू फॉर ए कंपनी शुड बी। कंपनी की एक रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें इस बारे में बताती है। मैनी इन्वेस्टर्स only look at the price a stock is currently trading at and what it has traded at instead of analyzing what lies behind the stock। ठीक है, अब कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में जान लेंगे, कंपनी की इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेंगे और कंपनी की ब्रांड वैल्यू के बारे में हम जान लेंगे, तो हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अ स्टॉक इज इश्यूड बाय अ कंपनी सो इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. वट आर द टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस? एनालिस्ट यूज मैनी टूल्स. सम एग्जाम्पल्स आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रेशियो ऑफ द रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स, चार्ट्स और ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिपोर्ट्स ऑन इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी एंड मार्केट रिपोर्ट्स. ये जरूरी है. तो ये टूल्स यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, फाइनेंशियली जानने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये टूल्स हमें चाहिए होते हैं, यूज करने पड़ते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, हम उसके बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे. अब कैंडलस्टिक्स क्या, किस में आती हैं? वो टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं. हम कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे. ओके, तो अभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू. मेरा नाम है अंकित, और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल लेनी है, हमारे अदर कोर्सेज के बारे में जानना है. तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 9813129297, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, info@powerofinvest.com. आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल अवेलेबल है. डियर स्टूडेंट्स, जॉइन अवर प्रीमियम फुल कोर्स, लर्न शेयर मार्केट इन इजी वर्ड्स बाय डायरेक्टर अंकित नारंग. फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए. काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पर अवेलेबल है. शेयर बाजार का संपूर्ण ज्ञान बाय डायरेक्टर अंकित नारंग. जाने शेयर बाजार की हर एक नब्ज को. ज्वाइन नाउ, कॉल अस ऑन 9813129297. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.powerofinvest.com. डाउनलोड अवर मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, पावर ऑफ इन्वेस्ट लिखिए और ज्वाइन कीजिए. काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डालते हैं, फ्री मटेरियल्स भी है उसमें और पेड मटेरियल भी है, दोनों अवेलेबल हैं, आपको जो अच्छा लगे ज्वाइन कीजिए. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. इंस्टाग्राम पर आप पावर ऑफ इन्वेस्ट सर्च कीजिए, हमारा पेज आएगा. काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग पोस्ट, इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर बाजार के बारे में हम डालते रहते हैं, और यूट्यूब पर भी हम अपडेट रहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस, नए नए टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पर हम लाते रहते हैं, कवर करते रहते हैं नए नए टॉपिक्स को. तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा. पावर ऑफ इन्वेस्ट अकेडमी, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कीजिए. तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम आपको शेयर बाजार के बारे में पूरी नॉलेज देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और मार्केट में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या नया अपडेट आ रहा है, इसका अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. काफ़ी कुछ सीखने को आपके, हमारे साथ में जुड़ के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ में. थैंक यू सो मच.